आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब का सिलसिला चल रहा है, लास्ट चैप्टर है, 10th चैप्टर है, तो स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, कि परेशान होना छोड़िए, जीना सीखिए। उसमें उन्होंने परेशानी से दूर रहने के, थकावट के दूर रहने के, जहनी एसाबी दबाव कम करने के मुख्तलिफ तरीके बताए हैं, रिसर्च किए उन्होंने, लोगों से मिले हैं। तो लास्ट चैप्टर में 32 स्टोरीज़ हैं, तो वो उन लोगों से उन्होंने कुछ से इंटरव्यू किए हैं, कुछ से मिले हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, तो उनसे निकाला है कि वो बड़ी शख्सियत जो है उन्होंने किस तरह अपने एसाबी दबाव से जान छुड़ाई। तो चैप्टर है इनका हाउ आई कंक्वर्ड वरीज, मैं वरीज पर किस तरह कंट्रोल किया। तो उस पर एक शख्सियत है देते हैं, कहते हैं कि शख्सियत जो है वो प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर विलियम लियोन फेल्स, LYON लियोन फेल्स, PHELPS, तो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो उसके बारे में बताते हैं, थोड़ा सा तारे बता दूं, 1943 में 78 ईयर्स में उनकी डेथ है। अमेरिकन शख्सियत हैं, क्रिटिक थे, आथर थे, कॉलमिस्ट थे, न्यूज़पेपर में लिखते थे और लेक्चरर थे, लेक्चर देते थे। तो उनकी कमोबेश 15 किताबें हैं, बड़ी मशहूर किताब है ए स्टडी ऑफ 18th सेंचुरी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर पे उन्होंने लिखी है, अमेरिज नावल बहुत अच्छा है, एज आई लाइक इट वो है किताब, तो 15 से ज़ायद किताबें हैं, बहुत बड़ा उनका काम है। उनकी बड़ी एक चेंज बात यह है कि उन्होंने अमेरिका में पहली मरतबा किसी यूनिवर्सिटी में मॉडर्न नावल पर कोर्स करवाया था, वो जदीद तारफ उन्होंने मुतारफ करवाया था, तो लिटरेचर पे बड़ी कमांड है। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि ये इत्तेफाक की बात है, 1943 में उनके फौतगी से पहले चंद दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो ये भी इत्तेफाक की बात है कि हम बैठे थे तो मैंने बातों बातों में उनसे इंटरव्यू लिया था और 5 बातें उन्होंने बताई थी कि मैंने किस तरह अपनी परेशानी से निजात पाई है। तो कुछ दिनों के बाद वो डेथ हो गए, मगर कहते हैं वो इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी का यादगार है जो मैं इस किताब में शामिल कर रहा हूँ। तो टाइटल है 5 मेथड्स आई यूज टू बैनिश वरी, मैंने परेशानियों को 5 तरीकों से किस तरह ख़त्म किया। तो प्रोफेसर विलियम जो है लियोन कहते हैं कि मैं 24 साल का था तो मेरे साथ एक अजीब ट्रेजेडी हो गई। 24 साल की उम्र में मैंने महसूस किया कि एक मरतबा मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरी आंखें बहुत जल रही हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरी आंखों में जैसे कोई सुइयां चुभ रहा है। तो शदीद तड़प की आलम में मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि 70-75% मेरी बीनाई चली गई है, अब थोड़ी सी रह गई है जिसके साथ मुझे ज़िंदगी में गुजारा करना था। कहते हैं मेरे लिए एक बहुत खौफजदा बात और खौफ का आलम यह था कि मुझसे जो मैं लेक्चर तलबा को देता था वो छूट जाएंगे, मेरी ज़िंदगी इल्म तदरीस से अलग हो जाएगी और ये मैं काम नहीं कर सकूँगा। कहते हैं इस परेशानी और ऐसा भी तनाव में मैं सुबह शाम रहने लगा और ऐसी कैफियत थी कि तपती धूप सपहर हो 3-4 बजे हो तो मैं जाके बिस्तर पर लेट जाता था और ये सोचता था कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं ये तब्दीली मेरे अंदर इस तरह आई कि सर्दियों की एक शाम थी और बहुत से तलबा जमा थे, मैं उनके दरमियान खड़ा हो गया और मैंने वहाँ उनको लेक्चर दिया। कहते हैं जब मैंने लेक्चर दिया तो मेरे अंदर थोड़ी सी तस्कीन पैदा हुई और वो परेशानियाँ जो सुबह शाम मुझे घेरे रहती थी वो ख़त्म हो गई। कहते हैं यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ, वहाँ मैंने शिरकत की, जब कहते हैं तेज़ रोशनी के बल्ब मेरी आंखों में लग रहे थे तो उस वक्त मुझे लेक्चर देते हुए बड़ी कठिन और तकलीफ़ महसूस हो रही थी, मगर मैंने लेक्चर नहीं छोड़ा। कहते हैं मैं सामने बल्ब की तरह नहीं, उनकी तरफ नहीं देख रहा था, मैं ज़मीन की तरफ देखता रहा। 30 मिनट तक कहते हैं कि मैंने लेक्चर दिया तो मेरे पूरे एसाबी तनाव से मैं रिलैक्सेशन शुरू हो गई और मैं बहुत रिलैक्स हो गया। फिर कहते हैं लेक्चर 30 मिनट के बाद जब मैं वापस अपनी सीट पे आया हूँ, फिर घर की तरफ लौटा हूँ तो वही परेशानियाँ, वही आलम मेरे अंदर मौजूद था। तो कहते हैं मैंने ये नतीजा निकाला कि जब तक मैं लेक्चर देता रहूँगा, तलबा को समझाता रहूँगा, इल्म तदरीस से अटैच हूँ तो तब तक मेरे ऐसा भी तनासब और परेशानी दूर होती रहेगी। तो उन्होंने पहला तरीका दिया है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, जिस चीज़ पे आपकी कमांड हो, वो चीज़ आप इस्तेमाल करें तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर कहते हैं कि 59 ईयर्स का हुआ तो मेरे अंदर फिर ज़माने की बहुत सी परेशानियां लाभ हो गई और मैं परेशान रहने लगा। तो कहते हैं मैंने डेफोडिल का एक नावल निकाला, किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि रफ्तार बहुत सुस्ती बिनाई की वजह से, मगर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो मेरी जहनी परेशानी दूर होती गई। तो कहते हैं कि विलियम लियोन
कि जब तक आप मुताला करते रहेंगे, जब आप मुताले में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो आपकी थकावट और परेशानी दूर होती जाएगी। फिर कहते हैं ज़िंदगी के कुछ मराहिल ऐसे आए कि फिर मेरे अंदर परेशानी और टेंशन की सूरतहाल पैदा हो गई, मैं स्ट्रेस में रहने लगा। फिर तीसरा तरीका बताते हैं कि मैंने अपने जिस्म को थकाना शुरू किया और मसरूफ़ रखना शुरू किया। मैं 2 से 3 घंटे टेनिस खेलता था, उसके बाद फिर अगर रिलैक्स हो जाता तो उसके बाद फिर मैं गोल्फ़ की तरफ जाता था, गोल्फ़ खेलता था। रात को मेरे अंदर जिस्मानी इतनी थकावट होती, जितना जितना पसीना मेरे अंदर से जाता, जिस्म से निकलता, उतनी परेशानी और थकावट मेरे अंदर से निकलती जाती। तो तीसरा रूल कहते हैं कि आप अपने अंदर ऐसी ताकत कुव्वत पैदा करें कि आप अपने जिस्म को थकाएं। किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए तो आपकी पूरी जहनी कैफियत उस स्पोर्ट के मशगले में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। चौथा कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी परेशानियां देखी जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, तो मैंने वेबलर क्लॉस एक फिलासफर हैं उनका सहारा लिया। उनका उसूल था कि जब भी आप काम करें तो वक्फे वक्फे से काम करें, आप थोड़ा सा पोज लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। वो क्या करते थे कि आराम कुर्सी पर बैठकर खामोशी के सारे काम खामोशी के साथ छोड़ देते थे। कहते हैं कि जब मेरे अंदर परेशानी लाक हो गई तो मैं आराम कुर्सी पर बैठकर और सारी उसके बाद रिलैक्सेशन पे आ जाता था और कोई काम नहीं करता था। कहते हैं ज़िंदगी में आपके ऊपर अगर ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ आएँ तो तरीका ये है कि सबको छोड़ दें, आराम कुर्सी पर बैठ जाएँ, किसी आराम वाली जगह पर बैठ जाएँ और अपने जहन को रिलैक्स करें तो सारी परेशानियाँ जाएंगी। अब आखिरी पांचवा तरीका बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि जब आपके ऊपर थकावट परेशानी और जहनी दबाव आ जाए तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि ये सोचें कि ये परेशानी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह तक चलेगी और 2 माह के बाद मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। तो अब क्यों ना वो तरीका अपनाऊं कि 2 माह के बाद जो मेरी कैफियत होगी वो कैफियत मैं इस वक्त अपने अंदर पैदा करूं। तो आप कोई भी परेशानी आए ये सोचें कि 2 माह के बाद मैं किस तरह रिलैक्स होऊंगा। वो 2 माह से पहले आप रिलैक्स हो जाएं तो वो परेशानी आपके अंदर नहीं भटकेगी और आपके करीब नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।